नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अवंतिका मिश्रा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी कि आपको दिवाली में कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिनकी मदद से आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसान उपाय हैं, आप इनको करके अपने घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनको भी दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने घर में बहुत ही ज़्यादा सुख शांति और समृद्धि भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप बहुत तरीके की समस्याओं से परेशान हैं, आपको कोई शारीरिक कष्ट है या फिर आप किसी भी अन्य समस्या से परेशान हैं, आप इन उपायों को ज़रूर कीजिए। दोस्तों, ये सारे उपाय मैंने खुद आजमाए हुए हैं और इनको मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इनसे मुझे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला है। आप अगर चाहें तो आप भी इनका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इनको प्रयोग कीजिए, लेकिन आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ आपको उसी तरीके से इनको प्रयोग करना है। आपको अगर आप किसी और तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं या गलत तरीके से करते हैं तो इसके निगेटिव रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से ही इनका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज का जो मेरा पहला उपाय है उसकी। दोस्तों, आप दिवाली की पूजा के समय आप अपने घर में पूजा स्थान पर 5 कौड़ी आप कौड़ी खरीद करके ला सकते हैं। 5 कौड़ी रखिए और उसके साथ में 5 हल्दी की गांठ ज़रूर रखिए और उसका आप गणेश लक्ष्मी के साथ में पूजन कीजिए और इसके पूजन के पश्चात आप उसको एक लाल कपड़े में बांध कर अपने घर की जो तिजोरी या फिर आपका जो अलमारी है आप उसमें किसी सुरक्षित स्थान पर उसको रख दीजिए। उसको आपको 1 साल तक वैसे ही रखे रहने देना है और 1 साल के बाद जब दूसरी दिवाली आएगी तो आपको उसको निकाल करके और उसको विसर्जन करवा देना है। किसी भी नदी या तालाब में आप उसका विसर्जन करवा सकते हैं और उसके स्थान पर आप दूसरी पूजा की कौड़ी पूजा में कौड़ी रख सकते हैं और हल्दी की 5 गांठें रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे जो हमारा उपाय है उसकी। दोस्तों, आपको धनतेरस वाले दिन एक ताला चाबी, छोटा सा ताला और चाबी आप ले लीजिए, खरीद लाइए मार्केट से और उसको आपको पूजा के समय दिवाली वाले दिन पूजा के समय खोल करके ताला और उसको आप पूजा वाले स्थान पर रख दीजिए और उसकी पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद में रात में 12 बजे आपके घर में जो भी वृद्ध मतलब महिला या पुरुष जो भी है आपके घर में बुज़ुर्ग इंसान, वो उस ताले को बिना किसी को बताए, बिना किसी के टोके उस ताले को जा करके बंद कर दे और बंद करके उसको उठा करके अपने मंदिर में पीछे किसी भी फोटो के या फिर कहीं पे भी सुरक्षित स्थान पर रख दे जहाँ पे कोई और उसे देख ना पाए, कोई उसे छू ना पाए। इसको करने के बाद 5 से 7 दिन के बाद में वो ताले को आपको ले जा करके किसी मंदिर में दान कर देना है या फिर उसका आपको विसर्जन कर देना है। वो ताला आपको अपने घर में नहीं रखना है। दोस्तों, ऐसा करेंगे अगर आप तो आपके घर में जितनी भी निगेटिव शक्तियां हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से चली जाएगी और आपके घर में नई पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा, आपके घर में शांति होगी, सुख होगा और आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं जो तीसरा उपाय है उसकी। दोस्तों, आपको धनतेरस के दिन शाम को जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो उसके साथ में आपको 2 पैकेट नमक के खरीद के ले आने हैं और उसमें से 1 पैकेट नमक का आप खोल लीजिए और उसको 1 कटोरी पूरा ऊपर तक भर के और अपने कांच की कटोरी में रखिएगा और उसको अपने बाथरूम में कहीं पर भी रख दीजिए और उसके अलावा जो उसमें नमक बचेगा उस नमक को आपको पानी में मिलाकर दिवाली वाले दिन पूरे घर में अपने पोछा लगाना है। इसके बाद आपको जो दूसरा पैकेट है नमक का, वो पैकेट अपने किचन में, अपनी रसोई में खाने के लिए इस्तेमाल करना है। आप किसी भी बर्तन में उसको भर करके रख सकते हैं और इसके अलावा जब वो ख़त्म होने लगे तो उसी में उसको पूरा ख़त्म होने से पहले ही आप दूसरा नमक का पैकेट ला करके और उसमें भर कर रख दीजिए। मतलब ये है कहने का कि आपको वो जो पैकेट का नमक है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होने देना है बल्कि उसमें और भी ज़्यादा नमक भर करके और रखना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपके घर में किसी भी इंसान को स्वास्थ्य किसी का ख़राब रहता है, किसी को भी तबीयत खराब रहती है या फिर आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो वो अति शीघ्र दूर हो जाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी, आपके यहाँ जिसकी भी तबीयत खराब होगी उसकी तबीयत सही हो जाएगी।
दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास है, आपके घर में भी सुख शांति नहीं रहती है, तो इस उपाय को आप ज़रूर कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस उपाय से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको धनतेरस वाले दिन एक कटोरी पूजा के समय धनिया लेना है, सूखा खड़ा हुआ धनिया, और पूजा के स्थान पर उसको रख देना है, और उसके साथ ही एक मिट्टी से भरा हुआ गमला भी रखना है। और अगले दिन सुबह आप वो कटोरी वाला धनिया उठा करके उस मिट्टी के गमले में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप उसमें रोज़ पानी डालते रहिए, और आप देखेंगे जैसे जैसे वो धनिया उसमें पौधा निकलता जाएगा, वैसे वैसे आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी दूर होती जाएंगी। इसके अलावा अगर उसमें वो पौधा नहीं निकल रहा है सूखा धनिया डालने के बाद, तो आपके इसका मतलब यही है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का बहुत ही अधिक वास है, आपके घर में सुख शांति नहीं आ सकती। इसको भी दूर करने के लिए मैं आपको आगे एक उपाय बताऊंगी, जो कि आप करके अपने घर की बुरी शक्तियों को, चाहे वो जितनी से ज़्यादा हों, आप उनको दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अपने आखिरी उपाय के बारे में, जो कि आपको लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन के बाद में करना है। आपको पीपल के 4 साफ पत्ते लेने हैं, और उनके ऊपर एक एक मिठाई रखनी है। खोए की बर्फी आप सफ़ेद रंग की आपको रख लेनी है, और उसमें एक एक दिया जला लेना है मिट्टी का चारों के ऊपर। और उसको आप पूजा करने के बाद में आपका जो घर का बड़ा है, जो भी पूजा करता है, वही व्यक्ति जा करके उसको चारों पत्तों को ले जाके दिए के साथ में, और पीपल का कहीं भी आपके आसपास पेड़ हो तो वहाँ पे रखाए जा करके, और उसको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। सीधे आप वो व्यक्ति जो है वो सीधे घर वापस आ जाए। ऐसा करने से आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, बुरी शक्तियाँ हैं, वो उसी पीपल के जो पत्ते हैं उन्हीं के साथ में, और वो जो दिया है उसके साथ में आपके घर से चली जाएंगी, और जो वहाँ से आएंगी वो हैं सकारात्मक शक्तियाँ, आपके घर में आ जाएंगी और आपके घर में सुख शांति का वास होगा। दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्ति है, ये सभी उपाय करने के बाद आपको कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और इसके साथ में अगर आप मेरा जो तीसरा उपाय था धनिया का, मैंने आपको बताया था, वो आप जब करेंगे तो उसमें अगर पौधा नहीं निकल रहा है धनिया का, और आपको लग रहा है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रवेश कर चुकी हैं, तो आप मेरे इस उपाय को ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति आएगी, और आपका घर धन से पूरी तरह से भर जाएगा। दोस्तों, आपको एक ट्रांसपेरेंट शीशी लेनी है, कांच की ले लीजिए या प्लास्टिक की ले लीजिए, आप जैसा भी चाहें वैसा ले लीजिए, और उसमें आप गंगा जल भर के रख लीजिए, और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए। उसको डालने के बाद में आपको दिवाली वाले दिन से ही रोज़ सुबह पूजा के समय, पूजा करने के बाद में आपका घर का जो भी व्यक्ति पूजा करता है, बड़ा बुज़ुर्ग जो भी आपके घर में पूजा कर रहा है, पूजा करने के बाद में उसको ले जा करके, और घर का जो मेन द्वार है, मेन गेट है, वहाँ पर उसको छिड़काव करना है। ऐसा आपको पूरे साल भर करना है। जब उसमें ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा से उसको भर करके रख लीजिए, उसमें कपूर डाल के, गंगा जल और कपूर, और उसको आपको पूरे वर्ष आपको बाहर मेन गेट पर छिड़काव करना है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा, और जो भी आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं वो ज़रूर दूर चली जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरे उपाय अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आपको मैं रोज़ लेकर के आती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।